Hello everyone, today we are going to discuss some questions on circuit diagrams. This lecture is designed according to the needs of class 10 students for ICSE, CBSE and other state boards. ठीक है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, since this is a problem solving lecture, so I will discuss some questions here. We will start from the basics, but we will not revise any theory before the lecture, before the questions. What we will do is that through our questions we will learn the necessary theory in order to solve circuit diagrams. तो हम सर्किट डायग्राम्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं. मैं जस्ट इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको बस थोड़ा थोड़ा सा बेसिक आता है, और आपको नहीं भी आता है तो आप ये क्वेश्चन से सीख जाएंगे, क्योंकि हम एकदम बेसिक क्वेश्चन से सीखने वाले हैं. ठीक है ना, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए. ये टाइप वन वेराइटी है, ठीक है. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का है, ये रेजिस्टेंस है ये 5 ओम का है. ठीक है ना, तो आपको बताना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. आप इसको कॉपी कर लीजिए एंड लिख लीजिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी. ए बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए. हो गया आपका अटेम्प्ट करना, अब सोल्यूशन देखिए. ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि दिस सर्किट इज इन सीरीज और पैरेलल. आपने सुना होगा कि दो तरह की, मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट कॉम्बिनेशंस, वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अनदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर इन सीरीज और पैरेलल. आप ये ध्यान रखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन तब होता है जब करंट अक्रॉस रेजिस्टर्स इज सेम. करंट अगर सेम हो गया तो सीरीज में है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द रेजिस्टर्स दैट शुड बी डिफरेंट. ठीक है ना, तो रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट अगर सेम हो गया तो दे आर इन सीरीज. ये आप याद रख लीजिए, अगर करंट अक्रॉस द रेजिस्टर्स सेम है तो वो सीरीज में है, और एक कंडीशन क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है. तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ए से बी तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहाँ से एक सपोज आई करंट पास कर रहा हूँ, तो 2 ओम के अक्रॉस कितना जाएगा आई करंट, क्योंकि ये आई ऐसे फ्लो करेगा तो 2 ओम के अक्रॉस भी आई जाएगा. फिर यहाँ से भी आई जा रहा है, क्योंकि देखिए कोई ब्रांचेस नहीं है यहाँ से ऐसा नहीं है कि और एक ब्रांच में कुछ जा रहा है. अगर वैसा हो रहा था तो ये सर्किट कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाता, क्योंकि 2 ओम एंड 4 ओम दो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट सेम है. इस क्वेश्चन में क्या है, करंट इज सेम. किसके अक्रॉस करंट सेम है, 2 ओम एंड 4 ओम, जो मेरे पास गिवन रेजिस्टेंसेज है उनके अक्रॉस करंट सेम है. अगर करंट सेम है तो कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज. ठीक है ना, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप लिख लीजिएगा कि सिंस द करंट इज सेम, करंट अक्रॉस 2 ओम एंड 4 ओम इज सेम, सो दे आर इन सीरीज. ये आप ऐसे लिख के, और जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, मुझे पता है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेजिस्टेंस है बस उसको सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर लो, तो 2 प्लस 4 6 ओम इज द आंसर टू माई क्वेश्चन. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर करंट अक्रॉस द रेजिस्टर सेम है तो दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक कंडीशन क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होना चाहिए. देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम एंड 4 ओम के अक्रॉस डिफरेंट है, क्योंकि जब ये करंट फ्लो करेगा, अगर मैं यहाँ पर एक बैटरी अटैच कर दूँ, इफ़ आई अटैच अ बैटरी टू माई सर्किट, सो जब ये फ्लो करेगा ये करंट, तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा और इसके अक्रॉस कुछ अलग ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज दे आर वन आफ्टर अनदर. ठीक है ना, पहले तो वो 2 ओम से फ्लो करेगा, फिर 4 ओम से फ्लो करेगा, सो व्हेन इट विल फ्लो थ्रू 2 ओम, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे एक पोटेंशियल का ड्रॉप आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ऑपोजिट फ्लो है ना, ये करंट का जो फ्लो मानते हैं हम कन्वेंशनल करंट का, दैट इज द फ्लो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब 2 ओम से फ्लो करेगा तो कुछ ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब वोल्टेज कुछ डिक्रीज हो जाएगा, जब 4 ओम से फ्लो करेगा तो वोल्टेज और कुछ डिक्रीज हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप और इसके अक्रॉस ड्रॉप जो है डिफरेंट है, दैट मीन्स द पोटेंशियल्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम एंड 4 ओम आर डिफरेंट, इसलिए ये सीरीज में. तो आप कोई सा भी लॉजिक से बता सकते हैं, करंट सेम होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, एक बार देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं. हाँ हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2. ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. आपको फिर से निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी.
फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। हो गया, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं ए और बी के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ए से एक करंट आई पास कर देता हूँ, ठीक है। सो करंट आई ऐसे फ्लो करेगा पूरा मस्ती में फ्लो करेगा। इस पॉइंट में ना उसको कन्फ्यूजन आ गया कि भाई अब तो दो रास्ते हैं, मैं तो रास्ते से जा रहा था, अब दो रास्ते हो गए। मैं एकदम मज़े से यहाँ से ए से इस पॉइंट तक एकदम, मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके बताऊँ, ये सर्किट कुछ ऐसा है कि नहीं है। दिस इज़ द पॉइंट बी एंड दिस इज़ द पॉइंट ए। अब मुझे नहीं पता कि शायद आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, पर मैं आपको एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बेसिक से दिखा रहा हूँ कि मुझे कैसे पता कि ये सीरीज है या पैरेलल है। तो आप क्या कीजिए, आप ए पॉइंट से करंट पास कर लीजिए, मतलब इस ब्रांच से करंट पास कर लीजिए और देख लीजिए कि करंट सेम है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पे उसको दो रास्ते मिल गए, तो मतलब ये करंट अब डिवाइड हो जाएगा। इस ब्रांच में कुछ करंट जाएगा, इस ब्रांच में कुछ करंट जाएगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आई वन गया और यहाँ पे आई टू गया, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कम रेजिस्टेंस है। तो आपको नहीं लगता ये आई वन एंड आई टू डिफरेंट होंगे? क्योंकि देखिए, यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, यहाँ पे तो कुछ करंट, जब पिछले वाले क्वेश्चन में 2 ओम एंड 4 ओम, सिंस दिस वॉज अ सिंगल ब्रांच, कैसा है ये सिंगल ब्रांच, आप और मेरे जैसे सिंगल ब्रांच तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट सेम है क्योंकि ब्रांच एक ही है। यहाँ पे तो करंट का डिवाइड होने का कोई लॉजिक नहीं है, पर यहाँ पे तो उसको दो पार्ट्स मिल गए, सो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। पैरेलल का कंडीशन है, स्पेलिंग गलत हो सकता है पैरेलल का, दैट करंट मस्ट बी डिफरेंट, एकदम उल्टा। यहाँ पे करंट सेम होना चाहिए, I इज इक्वल टू सेम सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए करंट डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सेम होगा भी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। अगर यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है ना। ठीक है, तो 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। क्यों पैरेलल में? क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो जा रहा है। तो आप ऐसा याद रख लीजिए कि अगर सिंगल ब्रांच है तो करंट डिवाइड नहीं होगा, करंट थ्रू 2 ओम एंड 4 ओम सेम होगा, तो वो सीरीज में होगा। अगर अलग अलग ब्रांच है, मतलब ब्रांचेस डिवाइड हो जा रहे हैं, ए से बी तक मूव करने में, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से मैं करंट को फ्लो कर रहा हूँ, जब करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो उसको दो ब्रांचेस मिल गए, तो दैट विल गेट डिवाइडेड। दैट मीन्स 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। तो आप लिख लीजिए, सिंस करंट विल गेट डिवाइडेड, 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। और जब पैरेलल में है, मुझे एक स्पेशल फार्मूला पता है कि जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, ऑल्दो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R should be 1/R1 + 1/R2, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक फार्मूला। पर यहाँ पे आप LCM लेके एक स्पेशल फार्मूला बना सकते हो, मतलब R का वैल्यू आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। अगर आप यहाँ पे LCM ले लो, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे R1 R2 LCM आ जाएगा। R1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे R2, यहाँ से मल्टीप्लाई होके R1। अगर आप इसको फ्लिप कर दो तो R का फार्मूला आ जाएगा R1 × R2, मतलब दो रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट, R1 + R2। दिस इज अ स्पेशल फार्मूला दैट इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे R पी लिख दे रहा हूँ, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस। शायद ये नहीं आ रहा है यहाँ पे नीचे, हाँ आ रहा है, सॉरी। हाँ, तो दिस इज अ स्पेशल फार्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन में मैंने काफ़ी टाइम दिया है, फ्रॉम थर्ड ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गिव सो मच टाइम, ठीक है ना। तो जस्ट मैं आंसर निकाल के बता रहा हूँ आपको कितना आ रहा है यहाँ पे। तो दो रेजिस्टेंसेस 6 ओम एंड 3 ओम पैरेलल में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 ओम इज पैरेलल टू 3 ओम, देयरफॉर माय आर इक्विवेलेंट विल बी R1 × R2 / R1 + R2, मतलब दो रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट 6 × 3 एंड 6 + 3 कितना हो रहा है, 9। सो 3 एंड 3 दैट इज 2 ओम इज द आंसर टू माई क्वेश्चन। तो मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन में सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा कंसेप्ट बताया। सीरीज कॉम्बिनेशन तब होगा जब करंट सेम होगा, एंड करंट सेम का मतलब एक सिंगल ब्रांच से फ्लो हो रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन तब होगा जब करंट डिफरेंट होगा। आप करंट से सोच सकते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस से भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है, फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड हम थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर लेंगे। अगर आपको तेज लग रहा होगा तो आप स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं यूट्यूब में, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बता दीजिए, कुछ ऐसा गिवन है। अच्छा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। मैं वैल्यूज देख लेता हूँ एक बार,
अच्छे अच्छे वैल्यूज़ देता हूँ आपको, मस्त एकदम 3 ओम एंड 6 ओम। आपको निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, क्वेश्चन लिख लीजिए एंड इसको सॉल्व कर लीजिए। हो गया, तो मुझे ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मैं फिर से अल्पास करंट आई, तो देखिए यही करंट आई आर ओम से फ्लो करेगा, फ्रॉम आर ओम, सॉरी आर क्यों बोल रहा हूँ, 4 ओम, दिस इज 4 ओम से ये फ्लो करेगा। अब यहाँ पे आके उसको कन्फ्यूजन हो गया, आई करंट एकदम मस्त फ्लो कर रहा था, यहाँ पे आके उसको कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि यहाँ पे वो तीनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस मतलब 2 ओम के अक्रॉस, 3 ओम के अक्रॉस एंड 6 ओम के अक्रॉस करंट डिफरेंट होंगे क्योंकि दैट इज गेटिंग डिवाइडेड। करंट सेम किसके अक्रॉस होगा, दिस आई करंट विल फ्लो थ्रू 4 ओम और यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। क्यों पैरेलल में, क्योंकि दिस सेम आई करंट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू सपोज I1, I2 एंड I3। सो 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल एंड ये पैरेलल का जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है दैट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू 4 ओम। बात समझ आ रही है आपको, ये मिक्स कॉम्बिनेशन है टोटल क्वेश्चन। यहाँ पे 2 ओम पैरेलल टू 3 ओम पैरेलल टू 6 ओम एंड इसका जो टोटल कॉम्बिनेशन है दैट इज इन सीरीज विथ 4 ओम। बात समझ आ रही है, तो पहले आप ये निकाल लीजिए, अगर 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में है तो आप इसको दो दो लेके आप निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला भी पुट कर सकते हैं। मैं आपको दो दो से बता रहा हूँ, 6 एंड 3 अगर होगा, अच्छा पहले मैं पूरा आप बता दूँ फिर थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। आप पुट कर लीजिए 1/r मतलब r पैरेलल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा आपके पास, 1/2 r1 के जगह 2, 1/3 प्लस 1/6। मैं क्या निकाल रहा हूँ, फर्स्ट मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल रहा हूँ, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पैरेलल नेटवर्क या फिर पैरेलल, स्पेलिंग नहीं आता यार मुझे, PARALLEL, ठीक है ना, फॉर पैरेलल नेटवर्क, गलत हो तो माफ़ कर दो। अच्छा तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए LCM लेके। मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए 6 एंड 3 का कॉम्बिनेशन का कितना आएगा, देखिए मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी करने के लिए। 6 एंड 3 का कितना आएगा, 6 × 3/9, 6 × 3 6+3 3 एंड 3 2, ठीक है ना। तो इन दोनों का कितना आएगा 2, फिर 2 और 2 फिर से पैरेलल है, 2 और 2 अगर फिर से पैरेलल है, आप देख लीजिए तीनों रेजिस्टेंस है, मैं दो दो करके निकाल रहा हूँ, 6 एंड 3 आर इन पैरेलल, अगर 6 एंड 3 पैरेलल में हमेशा 2 होगा, 6 × 3 डिवाइड बाई 6+3 फॉर्मूला है 2 एंड 2 एंड 2 अगर फिर से पैरेलल में है तो 2 एंड 2 मतलब क्या, 2 × 2/2+2 = 4 1। तो ये जो टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन है 1, तो मेरा जो सर्किट है वो नेक्स्ट स्टेप में रिड्यूस हो जाता है ऐसे, वहाँ पे तो 4 ओम अनटच्ड है, दिस इज पॉइंट ए, 4 ओम इज अनटच्ड, ये सब मिटा देता हूँ मैं एंड ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है दिस वन, ये कितना आ गया 1 ओम। देखिए मैंने इस सर्किट को इसमें रिड्यूस कर दिया, आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लो, बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए 4+1 ओम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में आपको दिख ही रहा है, सिंगल ब्रांच है सीरीज में, सो व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, 5 ओम इज द आंसर, ठीक है ना। अब एकदम मैं ऐसे चुटकियों में सॉल्व करके बता रहा हूँ हवा में, कुछ कैलकुलेशन बिना कि, आपको तो बोर्ड के लिए कैलकुलेशन करना है आप कर लीजिए। 6 एंड 3 पैरेलल में, 6 एंड 3 का कॉम्बिनेशन 2, 2 और 2 का कॉम्बिनेशन 1, 1 एंड 4 5 आंसर, ठीक है ना। आपको अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको तो ऐसे ही हवा में सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है ना। तो इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आप तो पहले लिख लिख के सॉल्व करो, अगर मैं थोड़ा अच्छे से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तो आप इसको सीख लो, अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो एंड पेशेंस के साथ इसको सीखो। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ समझ में नहीं आया मैं तो वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ, यू शुड हैव दैट अमाउंट ऑफ पेशेंस टू लर्न दिस, ठीक है ना। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अगर आपको आता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लो। देखिए आपके पास वीडियो है, आप टीचर को रोक सकते हो, टीचर का स्पीड बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, इजी क्वेश्चन हम ले रहे, हो गया आपका। अब मैं सॉल्व करो, आप पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, वरना मैं नहीं कर रहा यार।
ऐसे चीटिंग नहीं है, आप पहले खुद सॉल्व करेंगे फिर मैं करूँगा, ठीक है ना। अच्छा अब मैं कर रहा हूँ, मुझे ए बी के अक्रॉस निकालना है, तो मैं फिर से एक करंट आई पास कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये करंट आई मस जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, ए से ए पॉइंट से एक करंट आ रहा है, ठीक है ना, जा रहा है, जा रहा है। अच्छा आप पूछ रहे हो भैया आप बार बार ऐसे करंट आई क्यों पास कर रहे हो, क्योंकि बेटा मुझे देखना है कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पॉइंट ए से सपोज करंट आई आ रहा है, आप कुछ भी मान सकते हो, टू एम्पियर आ रहा है, थ्री एम्पियर आ रहा है, तो मैं तो जस्ट जनरल आई मान रहा हूँ। अब इस पॉइंट में देखिए इसको डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है ना, इस पॉइंट में डिवाइड होना पड़ेगा। तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पे आई वन जा रहा है एंड यहाँ पे आई टू जा रहा है, ठीक है। तो ये आई टू ऐसे फ्लो करके फ्लो करके फ्लो करके आई टू ऐसे फ्लो करके फ्लो करके फ्लो करके ऐसे आके यहाँ पे मिल जाएगा। फिर ये आई वन ऐसे आएगा 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 ऐसे आई वन फ्लो करके यहाँ पे आके फिर से आई वन एंड आई टू मिल के आई बना देंगे। मतलब करंट आई मैंने पॉइंट ए से करंट आई हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में भी करंट आई मिल गया, पर ड्यूरिंग द मोशन उसके साथ कुछ हो गया यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट में वो डिवाइड हो गया एज आई वन एंड आई टू। तो 6 ओम से कितना गया होगा आई वन, फिर इस 6 ओम से कितना गया होगा आई वन। सो दिस एंड दिस आर इन सीरीज, ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल ब्रांच है, तो ये 6 और ये 6 तो सीरीज में है, पर इसका जो कॉम्बिनेशन में है और ये पैरेलल में, ठीक है ना। सो दिस एंड दिस आर इन सीरीज, तो ये 6 प्लस 6 कितना होगा ऊपर 12 ओम, और नीचे ये तो अनटस्ट, इसको तो मैंने कुछ नहीं किया। तो पहले तो आप कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लीजिए, अगर दो चार है, जैसे यहाँ पे 2 6 ओम थे तो 6 एंड 6 मैंने 12 लिख दिया और फिर से एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि सर्किट डायग्राम फिर से ड्रॉ करना है, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप बिगिनर हो तो आप एकदम समझ समझ के कीजिए, अगर आपको आता है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। सो दिस 6 एंड 6 आर इन पैरेलल, कैसे पता चला, क्योंकि इसके अक्रॉस, इस 6 के अक्रॉस और इस 6 के अक्रॉस करंट इज सेम, और अगर करंट सेम है सो दे आर इन सीरीज। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, तो ये 12 एंड ये 6 कैसे है पैरेलल, इसका मतलब है यहाँ पे दिस 6 एंड दिस 6 इज इन सीरीज एंड इसका कॉम्बिनेशन है 12 एंड दिस 12 एंड दिस 6 इज इन पैरेलल। सो 12 ओम एंड 6 ओम इज इन पैरेलल, तो आर पैरेलल कितना आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 12 × 6 / 12 + 6 फॉर्मूला है ना, R1 × R2 R1 + R2, मतलब रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट बाय रेजिस्टेंसेस का सम। तो 12 × 6 / नीचे कितना आ रहा है 18 6 3 4 ओम इज द आंसर टू माय क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या था, अब मैं इसको चुटकियों में सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसको मैं एसएस ट्रिक बोलता हूँ, ऑल्दो ये मेरा कुछ ट्रिक नहीं है, ये तो हर किसी को आता है, फिर भी स्टाइल मानने के लिए बस। अच्छा तो ये क्वेश्चन था आपके पास, तो आपने ऐसे देख लिया कि ये सिंगल ब्रांच है, दिस इज अ सिंगल ब्रांच, तो सीरीज में होगा 6 + 6 = 12 और ये 12 और ये 6 पैरेलल होगा, तो 12 × 6 / 18, ठीक है ना, रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट इंटू रेजिस्टेंसेस का सम, 12 × 6 / 12 + 6, मतलब 12 × 6 / 18, 6 एंड 18 3 से कैंसिल हो गया, 3 × 4 = 4 ओम इज द आंसर। बस चुटकियों में आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बाद में अगर आप अभी सीख रहे हो तब तो आप थोड़ा सा टाइम लेके करो, 2-4 मिनट दो इस सम को, पर आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप ऐसे कर पाओगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बता दीजिए मुझे। चिंता मत करो, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं एंड एट द एंड आप एक्सपर्ट हो जाओगे बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते। अच्छा ये शायद किसी ईयर ICSE में आया होगा, याद नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा है। एनीवेज आप तो कुबाच 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये कितना है 5 ओम। भैया नीचे क्यों देख रहे हो, नीचे एक पेपर है जहाँ पे सब कुछ लिखा है, मुझे तो कुछ नहीं आता है, वहाँ से देख के पढ़ाता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस AV। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AV, ठीक है। इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से करंट आई जा रहा है, देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना।
ये डिवाइड होके यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो करके फिर से करंट आई है यहाँ पे। सोचिए यहाँ पे आई वन हो गया, इसके अक्रॉस आई टू हो गया, इसके अक्रॉस आई थ्री हो गया, फिर ये आई वन यहाँ से आके, आई टू यहाँ से आके, आई थ्री यहाँ से आके कॉम्बाइन करके फिर से मुझे आई मिल गया, ठीक है ना। तो इस 5 ओम के अक्रॉस आई है, अब यहाँ से फिर से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब क्या है, दिस 333 इज़ इन पैरेलल, दिस 4 एंड 6 इज़ इन पैरेलल, एंड इनका जो कॉम्बिनेशन है इस 5 के साथ सीरीज में, ये 333 पैरेलल में, तो इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा, अगर सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो आप क्या कीजिए, 3/3 1 ओम। आपको ऐसे नहीं निकालना तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए, मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है ना, तो आपको जो रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कर दीजिए, आ जाएगा। और आपको ऐसे नहीं निकालना है तो दो दो करके निकाल लीजिए, 3 एंड 3, अगर 3 एंड 3 होगा तो 3 × 3/6, ये 3/2 है, ठीक है। अब 3/2 और 3 फिर से पैरेलल में, 3/2 × 3/3 + 3, ये कितना आ रहा है 6, ये आ रहा है 9/2, सो 3/2 × 9/2, तो ये आ रहा है 1 ओम। आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, आप तो भाई बेसिक फार्मूला लगा लो। आप क्या करो, ये 3 3 3 पैरेलल में है ना, 3 पैरेलल टू 3 पैरेलल टू 3, तो आप तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लो, 1/r इज 1/3 + 1/3 + 1/3, सो 1/r इज 3 LCM, 1 + 1 + 3/3, तो ये कितना आ रहा है, 1/r इज 1, आप इसको फ्लिप करेंगे तो r इज इक्वल टू 1, तो ये जो कॉम्बिनेशन है दिस वन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं, 5 वाला नहीं, बस ये वाला, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्लमजी हो गया, हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ये 3 था ये 3 था ये 3 था ये 5 था ये 4 था ये 6 था, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसका इफेक्टिव कितना है 1, और इसका इफेक्टिव कितना है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस है तो 4 × 6 एंड 4 + 6 कितना है 10, तो 3 5, दिस इज 12/5, तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस होगा 1 5 एंड इसका 12/5, मतलब ये जो लास्ट डायग्राम होगा दिस इज दिस दिस दिस, ये 1 ओम है, ये कहाँ से आया 1 ओम, इसको सॉल्व करके, इसके जगह मैंने 1 लिख दिया, ये 5 तो अनटस्ट है एज इट इज, उसको हमने कुछ नहीं किया, और ये जो कॉम्बिनेशन है दिस वन, इसको अगर मैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूँ तो कितना आ रहा है, 4 × 6 4 + 6, मतलब 12/5 आ रहा है, तो दिस इज 12/5 ओम। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, एक बार देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। अच्छा कैमरा थोड़ा टिल्ट हो गया है, अच्छा ठीक है ना। तो इफेक्टिव टोटल जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 1 + 5 + 12/5, मतलब 6 + 12/5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 नीचे LCM आएगा, ये 30 + 12 दैट इज 42/5 ओम, इसको आप पॉइंट में करेंगे तो शायद 8.4 ओम आ रहा है, दिस इज़ द आंसर 8.4 ओम। आपको समझ में आ गया होगा, 333 पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में, एंड इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस ये 5 सीरीज, 333 पैरेलल में, 4 एंड 6 अलग से पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट प्लस 5 एंड इसका इक्विवेलेंट सीरीज में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली कैमरा का काफ़ी इशू है क्योंकि मेरे पास वायरलेस माइक नहीं है, सो जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो ये बेचारा फ्लिप हो जाता है कभी कभी। आपको शायद मज़ा आ रहा होगा इस सेशन में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको कैसा लग रहा है। अच्छा आज अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, पहले आप ये कर लो। कुपच। एक्चुअली ये साउंड काफ़ी फेमस है सर्किट ड्रॉ करने के टाइम, पर मैं करता नहीं हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है इसमें, ठीक है ना। अच्छा तो आपको निकालना है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी।
ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से करंट आई पास कर रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे सेम हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, मतलब ये करंट यहाँ पे आई वन आई टू में डिवाइड हो जाएगा, फिर ऐसे आई वन फ्लो करके यहाँ से आई वन फिर से आके यहाँ से आई वन। अच्छा ये दोनों 12 एंड 6 क्यू, सॉरी दिस इज़ आई टू, अच्छा ये दोनों 12 एंड 6 क्यू पैरेलल में, क्योंकि इसके अक्रॉस एंड इसके अक्रॉस करंट डिफरेंट है, फिर इसके अक्रॉस एंड इसके अक्रॉस भी करंट डिफरेंट है। सो दिस एंड दिस पैरेलल, दिस एंड दिस पैरेलल, एंड इनके जो इफेक्टिव रेजिस्टेंसेज है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है। अब बात को समझिए, ये 12 एंड ये 12 सीरीज में नहीं है, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 12 एंड 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका पहले कॉम्बिनेशन में निकाल लूँ, आर पैरेलल कितना है 12 इंटू 6, 12 प्लस 6 18, दिस इज 4 ओम, ठीक है। एंड इसका मैं निकाल लूँ अलग से 12 इंटू 4 एंड 12 प्लस 4 कितना 16, 3 ओम। तो इसके बदले ये जो 12 एंड 6 का जो सर्किट है, इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके बदले में बस मैं ये 4 ओम, एंड इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ 3 ओम। कुछ लोग को शायद काफ़ी दिक्कत हो रहा होगा कि सर आपने इसको 4 ओम से कैसे रिप्लेस कर दिया। अच्छे से देखो, ये पैरेलल में है, दिस इज इन पैरेलल, तो इसका जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है, इसका जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है कितना है 4 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये सर्किट का, दिस वन कितना है 3 ओम, क्योंकि 12 इंटू 4 12 प्लस 4। अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, भूलिए मत, अगर दो रेजिस्टेंसेस आर वन एंड आर टू पैरेलल में है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का स्पेशल फार्मूला है आर वन आर टू, आर वन प्लस आर टू कैसे आता है एलसीएम लेके फ्लिप करके मैंने बताया था। अब ये 4 ओम एंड 3 ओम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा 7 ओम इज द आंसर टू माई क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे 10 ओम क्यों दिया हुआ है, अच्छा कुछ गलती हो गया हमसे क्या, 6 वन सा 6, 2 सा 6, 3 सा 18, ये 4, 4 4 सा 16, 4 3, पता नहीं मेरे पास ऑप्शन में ये 10 ओम क्यों बता रहा है, एक बार चेक कर लूँ गलती कुछ हुआ है क्या। 12 एंड 6, 12 एंड 6 एंड 12 प्लस 6 इज 18, 6 वन सा 6, 2 सा 12, 6 3 सा 18 एंड 3 4 सा 12, ये तो 4 आ रहा है, एंड दिस इज 12 एंड 4, 12 इंटू 4 एंड 12 प्लस 4 इज 16, 4 वन जो 4 टू जो 12, 4 थ्री 4 4 जो 16, 4 3, 4 प्लस 3 इज 7 ओम, शायद गलत है ये आंसर, ठीक है ना। सो 7 ओम मेरे हिसाब से 7 ओम आंसर आ रहा है, ठीक है, शायद वहाँ पे आंसर गलत की बनेगा, एंड मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा, अभी तो दिख नहीं रहा है, रात को 2 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस बात में तो लाइक बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ। ये मैंने सारे क्वेश्चंस आईसीएसई के पास्ट ईयर्स कंसाइज फिजिक्स एनसीईआरटी वगैरह से लिया है, हाँ तो आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा इससे, और लास्ट में मैंने कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस भी डाले। तो दिस इज़ द पॉइंट ए एंड दिस इज़ द पॉइंट बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, अच्छा ठीक है। तो हमेशा की तरह ए से आई पास अ करंट, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, हाँ यहाँ पे तो भाई ये इस ब्रांच में डिवाइड होगा, इस ब्रांच में डिवाइड होगा, इस ब्रांच में डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज इस ब्रांच में आई वन करंट जा रहा है, इस ब्रांच में आई टू करंट जा रहा है, इस ब्रांच पे आई थ्री करंट जा रहा है, तो ये आई वन फ्लो करेगा, इसमें कितना फ्लो करेगा आई वन, क्योंकि ब्रांच तो सेम है ना। देखिए ये बात काफ़ियों को समझ में नहीं आता, यहाँ से आई करंट आया एंड इट गॉट डिवाइडेड इंटू आई वन आई टू एंड आई थ्री, सो 2 ओम के अक्रॉस कितना फ्लो कर रहा है आई वन, एंड यही आई वन तो 4 ओम के अक्रॉस भी फ्लो करेगा दिस सेम करंट, बिकॉज यहाँ से तो कोई और ब्रांच नहीं है कि यहाँ पे और डिवाइड होगा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 2 ओम के अक्रॉस जितना है, क्योंकि दिस इज द सेम ब्रांच, इस ब्रांच को आप ध्यान से देखिए, ये 2 ओम इसको दिखा रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो
अगर इसकी इससे आई वन आ रहा है तो ये भी आई वन एंड दिस इज ऑल्सो आई वन, तो ये 2 ओम एंड ये 4 ओम सीरीज में है, दिस वन एंड दिस वन आर इन सीरीज, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे नाम देके बता सकते हो, इसको आप आर फाइव मान लो, इसको आप आर फोर मान लो, इसको आप आर थ्री मान लो, आप अपने हिसाब से मान लो, आर टू मान लो, इसको आर वन मान लो एंड इसको कुछ आर सिक्स मान लो, जो भी है। तो आर फाइव एंड आर फोर आर इन सीरीज, आर फोर इज सीरीज इन आर फाइव, तो जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है कितना होगा, इसको मैं आर बोल रहा हूँ या फिर आर क्या बोलो, इसको आर एस बोल रहा हूँ, कितना होगा, 4 प्लस 6 6 ओम। तो बस मैंने अब तक ये सॉल्व किया, ये 6 ओम है। अब ये डायग्राम तो गया एकदम काम से, फिर से बनाना पड़ेगा। दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज माई पॉइंट बी, अच्छा क्वेश्चन है ये। दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 2। सो दिस एंड दिस आर इन सीरीज, एंड कितना है सीरीज में, 6। तो इसको मिटा के मैं, इसको मिटा के मैं, सिक्स लिख रहा हूँ। अब देखिए ये जो इसके इस ब्रांच में जो करंट है आई वन है, इसमें करंट है आई टू है। सो दिस 6 एंड दिस 3 इज इन पैरेलल अगेन, सो दिस 6 एंड दिस 3 इज इन पैरेलल, 6 इज इन पैरेलल विथ 3। तो अगर 6 एंड 3 पैरेलल में है, पहले हमने क्या किया, 2 एंड 4 आर इन सीरीज तो 6 आ रहा है। अब ये 6 एंड 3 पैरेलल में, अगर 6 एंड 3 पैरेलल में तो आर पैरेलल कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 इज 9, 3 3 2। सो दिस एंड दिस, इसको पूरा मिटा के कितना आ रहा है, ये 2। देखिए मेरा सर्किट रिड्यूस होता जा रहा है, मेरा सर्किट रिड्यूस होता जा रहा है। ये 2 एंड 4 6 हो गया, अब ये 6 एंड 3 फिर से पैरेलल में था तो मैंने इसको मिटा के 2 बना दिया। 6 एंड 3 अगर पैरेलल में है तो 2 आ रहा है। अब ये क्या हो रहा है, फिर से आप यहाँ से अगर करंट आई आ रहा है, यहाँ से करंट आई आ रहा है, तो यहाँ पे आई 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 फ्लो करेगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है एक एन एक। तो देखिए यहाँ पे अगर आई वन आ रहा है, यहाँ पे अगर आई टू आ रहा है, तो ये आई टू यहाँ से जाके इसमें भी आई टू आएगा। तो दिस 2 एंड 4 आर इन सीरीज, 2 इज इन सीरीज विथ 4, 2 इज इन सीरीज विथ 4। तो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन फिर से कितना हो जाएगा, आर डैश बोल रहा हूँ इसको, आर एस डैश बोल रहा हूँ इसको, 4 2 एंड 4 इज 6 ओम। तो इसको फिर से मिटा के इन दोनों को, अब यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, बस वो दोनों को कंबाइन करके मैंने 6 लिख दिया। अब देखिए फिर से यहाँ से आई करंट आ रहा है, एक ब्रांच और एक दूसरा ब्रांच, तो ये और ये फिर से क्या है, पैरेलल। तो फिर से 3 इज इन पैरेलल विथ 6, आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, मैं तो क्लमजी वे में कर रहा हूँ। 3 एंड 6 पैरेलल, सो आर पैरेलल 3 इंटू 6 बाई 9, फिर से 2। तो ये इन सब को मिटा के 2 एंड 2, सो 2 एंड 2 अगर यहाँ से करंट आई आ रहा है तो यहाँ पे भी करंट आई जाएगा, 2 एंड 2 सीरीज, सो आर इक्विवेलेंट 4 ओम। दिस इज द करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर इज 4 ओम, आर इक्विवेलेंट इज 4 ओम। मैं आप इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी कीजिए, एक बार इसको अच्छे से देखिए, इसको टाइम दीजिए थोड़ा सा, आई एम अटेंडिंग द क्वेश्चन वंस अगेन फॉर यू, फिर से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूँ। पेशेंस नहीं लूज़ करना है, लास्ट तक बने रहना है आपको, जो डर गया वो समझो मर गया। डरना नहीं है आपको, किस बात का डर है, यहाँ पे हम सीखने के लिए बैठे हैं ना, एक बार में थोड़ी आएगा आपको, कंटिन्यूसली आपको स्ट्राइव करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आएगा, ठीक है ना। आपके टीचर शायद बताते होंगे आपको कि भाई तेरे बस का कुछ नहीं है, सब आपके बस का है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा ऐसा था, एंड ए एंड बी के अक्रॉस मुझे निकालना था। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, दिस आई करेंट वॉज गेटिंग डिवाइडेड इंटू आई वन आई टू एंड आई थ्री। अब यही आई थ्री इससे फ्लो कर रहा था, सो दिस 4 एंड 2 आर इन सीरीज, तो इसको कॉम्बाइन करके, 4 एंड 2 को कॉम्बाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 6। 6 एंड 3 पैरेलल,
तो 6 एंड 3 को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, 2 एंड 4, 2 एंड 4 सीरीज ऑफ पैरेलल, देख लीजिए एक बार, यहाँ से अगर आई करंट आ रहा है तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये ब्रांच और ये ब्रांच तो सेम है, 2 एंड 4 अगेन सीरीज, कंबाइन करके 2 प्लस 4 6, 3 एंड 6 अगेन पैरेलल, कंबाइन करके कितना 2, 3 एंड 6 अगर पैरेलल में है तो 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6 9, इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए, इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए 2, तो 2 एंड 2 4 ओम इज द आंसर टू माय क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क लगा लीजिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आए तो रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है, एक बार देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, अच्छा, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको शायद मज़ा आ रहा होगा, अच्छा अब कुछ अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये होगा मेरे क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा सो दिस इज 1 1 1 1, सारे 1 ओम है, ऑल आर 1 ओम, दिस इज पॉइंट एक्स एंड दिस इज पॉइंट वाई, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई, ठीक है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई, तो क्या करना है, यहाँ से करंट फ्लो करना है, इस पॉइंट में दे विल गेट डिवाइडेड इनटू आई वन एंड आई टू, आई वन एंड आई टू का वैल्यूज कितना है वो हम बाद में देखेंगे, अब बस ये डिवाइड तो हो रहा है एंड यही आई वन इससे फ्लो करेगा एंड यही आई टू इससे फ्लो करेगा, सो दिस वन एंड वन आर इन सीरीज, दिस वन एंड वन आर इन सीरीज एंड एज अ होल दे आर इन पैरेलल, सो ये वन एंड वन मिलकर कितना आ रहा है सीरीज में 2 ओम, और ये वन एंड वन मिलकर कितना आ रहा है सीरीज में 2 ओम, एंड ये 2 एंड 2 पैरेलल में है, मैंने कहा था अगर सेम रेजिस्टेंसेस, अगर सेम रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू 2 एंड 2 पैरेलल में है तो बस रेजिस्टेंस को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए 1 ओम, आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप 2 इंटू 2 2 प्लस 2 4 ये भी करके देखिए 1 ओम, आपको ऐसे भी नहीं निकालना है तो आर पैरेलल ऐसे निकाल लीजिए आप, 1 बाई आर इज 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई आर इज 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इज 1, फ्लिप करके 1 ओम, तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट 1 ओम, हमने क्या किया फिर से देख लीजिए एक बार, जिनको समझ नहीं आया फिर से देख लो, ऐसा था कुछ, हाँ ऐसा कुछ था, 1 1 1 1, यहाँ से करंट आई आ रहा था ऐसे डिवाइड हो रहा था, ये सेम ब्रांच है तो ये जो 1 एंड 1 मिलके सीरीज में 2 ओम, ये 1 एंड 1 मिलके सीरीज में 2 ओम, 2 एंड 2 1 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब आप बोर्ड में अटेम्प्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा लिख लो कि 1 एंड 1, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, इसको R4 मान लो, बोर्ड वाले को ऐसा पसंद है कि आप लिखो कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R3 एंड R4 आर इन सीरीज एंड देयर कॉम्बिनेशंस आर इन पैरेलल, फिर आप ये सब करो, ठीक है ना, अच्छा तो आप स्मार्ट हो, आप क्लास 10 में हो, क्लास 11 में जाने वाले हो, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ और ये सब काम कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 शायद है या फिर 9 है, मैं पता नहीं, 10 आई गेस 10 या फिर 9 होगा शायद, ठीक है 9, अच्छा दिस इज ए दिस इज बी, ठीक है ना, अच्छा ये कितना है 4 है, 4 ओम 8 ओम, मैं खुद बना के भी दे सकता हूँ पर मैं बनाऊँगा तो ऑप्शंस थोड़ा मतलब आंसर्स थोड़ा एब्सर्ड आएंगे इसलिए, अच्छा आपको बोला है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, द आर इक्विवेलेंट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिए आप पूरा लिखिए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज कितना दिया है आपको 4 ओम, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज 4 ओम, फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू मतलब एक रेजिस्टेंस उसने अननोन कर दिया उसको निकालो, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ से आई करंट फ्लो करेगा तो ये आई वन एंड आई टू में डिवाइड हो जाएगा, दिस ओके दिस 8 एंड 4
same branch are in series, so 8 plus 4, 12. This 5 and x, same branch in series, so 5 plus x, and as a whole they are in parallel. क्योंकि currents दोनों में different है. ये and ये, 8 and 4 series, 5 and x series, so 8 and 4 का combination 12, 5 and x का combination 5 plus x, and ये series combination and ये series combination आपस में parallel. ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस करंट डिफरेंट है. सो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, सो दिस इज, ये डायग्राम विल गेट रिड्यूस टू दिस. सो दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस. ऊपर कितना है 12 ओम, हमने 4 प्लस 8 को लिख के 12 कर दिया. नीचे कितना है 5 प्लस एक्स, एंड आपस में कैसे है सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, ए एंड बी के अक्रॉस निकालना था ना, तो आपस में कैसे है पैरेलल में. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर पैरेलल इज आर वन इंटू आर टू, मतलब 12 इंटू 5 प्लस एक्स, 12 प्लस 5 प्लस एक्स. और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू है, बोला ही है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है, मतलब ये जो पूरा सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, दैट इज 4 ओम. तो इसके जगह 4 पुट कर दो और इसको जस्ट सॉल्व कर लो. 12 इंटू 5 इज 60 प्लस 12 एक्स आ रहा है, और ये 12 प्लस 5 17, क्योंकि ये प्लस साइन है बीच में, यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं होगा. 17 प्लस एक्स, इसको इस साइड में ले जाओ. 17 इंटू 4 कितना आ रहा है, मेरा मैथ्स काफ़ी वीक है, मैं ऐसे कर ले रहा हूँ. 7 4 20 8, दिस इज अराउंड 68, नॉट अराउंड 68, एग्जैक्टली 68, एंड दिस इज अराउंड 272. 68 को उधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सो 4x इज 4 है ना, तो x इज 1. मेरे पास x का वैल्यू अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा तो x का वैल्यू 1 आना चाहिए. वन ही होगा शायद. अब देख लो भाई, मैंने तो बता दिया कैसे करना है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ होगा, क्योंकि अवेलेबल नहीं है मेरे पास वैल्यू. मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हमने नहीं किया. तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना. अच्छा, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे गिवन है, ओके ये वाला कर लो. मैं थोड़ा सा, ये काफ़ी फेमस है. ओके, सो दिस इज एक्स एंड वाई, एंड दिस इज दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज पी एंड क्यू, एंड दिस पॉइंट इज आर, एंड ये पूरा रेजिस्टेंस 3 ओम. ठीक है ना, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू एंड सेकेंड ऑप्शन अक्रॉस एक्स वाई. एक बार तो पी क्यू के अक्रॉस निकालो, एक बार एक्स वाई के अक्रॉस निकालो. अगर मैं पी क्यू के अक्रॉस निकालूंगा, तो देखिए ये वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा. पी क्यू का मतलब तो बस पी क्यू के अक्रॉस निकलेगा तो बस ऊपर वाला पार्ट आएगा, नीचे वाला पार्ट का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो तो पी क्यू के नीचे है ना. ये कैसे इसमें रोल में आ जाएगा, क्योंकि अगर पी क्यू के अक्रॉस मुझे निकालना है तो यहाँ से पी से करंट ओरिजिनेट करना चाहिए, और करंट तो इधर जाएगा. मैं ये वाला सर्किट को इधर ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से. कुछ ऐसे होगा, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू. इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दो तो अच्छा लगेगा. अच्छा, सो दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 3. क्योंकि मुझे पी क्यू के अक्रॉस निकालना है तो मैंने इसको अलग कर लिया है ना. पी क्यू के अक्रॉस निकालना है तो पी से करंट ओरिजिनेट होना चाहिए, और इधर जाएगा करंट एक, इधर जाएगा. तो देखिए यहाँ पे सपोज आई वन जा रहा है, इसमें आई टू जा रहा है, तो ये आई वन इसमें भी फ्लो करेगा, इसमें भी फ्लो करेगा. इसका मतलब ये जो है, ये दिस 3 एंड दिस 3 आर इन सीरीज, और किसके साथ पैरेलल है, ये 3 के साथ. सो दिस एंड दिस सीरीज, तो कितना आ रहा है 6, एंड 6 एंड 3 आर इन पैरेलल, सो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 6 × 3/6 + 3 = 9, दैट इज 2 ओम. इसका मतलब है कि अगर मैं पी क्यू के अक्रॉस निकालूं तो ये 3 और ये 3 सीरीज, एंड ये सीरीज इसके साथ पैरेलल, तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू इज हाउ मच, 2 ओम.
ये मेरा आ गया। अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई, इसके अक्रॉस एक्स वाई। अच्छा, अगर एक्स वाई के अक्रॉस निकालना है तो एक्स से एक करंट ऑरिजिनेट होना चाहिए और ये ऐसे जाएगा। यहाँ पे जाके इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक तो ये, सपोज इसमें आई वन जा रहा है, इसमें आई टू जा रहा है। अब फिर से देखिए, यही आई वन इससे जाएगा, तो एक्स वाई के अक्रॉस अगर निकालना है तो दिस इज अगेन इन सीरीज, सीरीज में है कि नहीं है, कितना है, थ्री एन थ्री सीरीज में सिक्स, ये सिक्स और ये थ्री पैरेलल, क्योंकि करंट डिफरेंट है, इसमें आई टू है, इसमें आई वन है, दिस सिक्स एंड दिस थ्री इज इन पैरेलल, एंड सिक्स एंड थ्री पैरेलल मतलब टू, इसका मतलब ये थ्री तो अनटच्ड है, ये पॉइंट एक्स है, ये दिस थ्री इज अनटच्ड, दिस थ्री एंड थ्री इज सिक्स एंड सिक्स एंड थ्री इज टू, तो यहाँ पे टू आ गया एंड ये थ्री भी अनटच्ड है, दिस एंड दिस इज अनटच्ड, कुछ नहीं किया हमने इसको, मैं बस ये पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। एंड इसको सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट से करंट, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का बात है ये, दिस इज थ्री, दिस इज थ्री, दिस इज थ्री, थ्री, दिस इज थ्री। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको जूम क्लास में भी समझा सकता हूँ अगर काफ़ी दिक्कत आ रहा है आपको। आपका एग्ज़ाम बुरा नहीं होना चाहिए जैसे भी करके, द पर्पज़ इज आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है CBSE ICSE वो अच्छा होना चाहिए। आप यूट्यूब से सीखो, अपने टीचर से सीखो, अपने फ्रेंड से सीखो, सीखना चाहिए आपको कैसे भी करके।